हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नो अननोन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया में मौजूद 10 ऐसे यूनिक व्हीकल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके स्पेशल फीचर्स आपको हैरान जरूर कर देंगे। जिनमें से नंबर 10 पर है डोल लोगो। दोस्तों, दिखने में आम सा नजर आने वाला ये ट्रक हकीकत में एक 3XL एक्सटेंडेबल सेमी ट्रेलर है, जो कि लंबर जैक्स यानी जो लोग दरख्त काटते हैं उनके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बेहतरीन तोहफा है। इसमें मौजूद लोडिंग सरफेस को क्रेन की मदद से फिल किया जाता है, जो कि इसके अगले हिस्से में ड्राइविंग एरिया में लगाई गई है। 5150 किलोग्राम वजन के इस सेमी ट्रेलर में मौजूद हाइड्रोलिक एक्सटेंशन मैकेनिज्म की मदद से आपको कंफर्ट और स्पीड का बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है। इस सेमी ट्रेलर में 80 सेंटीमीटर की लोडिंग सरफेस भी मौजूद है, लेकिन आप और ट्रेलर्स को कनेक्ट करके भी लोडिंग सरफेस बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसमें मौजूद लो वेयर एंटी स्लिप प्रोफाइल और एल्यूमिनियम फ्लोरिंग को इंसानी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखकर बहुत ही महारत से लगाया गया है। दोस्तों, इसमें मौजूद मैकेनिकल ऑपरेटिंग मैकेनिज्म इतना एडवांस है कि इस ट्रेलर के ड्राइवर कैबिन में मौजूद हर फंक्शन को आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 9, रथमैन कार्गो लोडर। दोस्तों, जर्मन कंपनी की जानिब से बनाया गया ये ट्रक देखने में तो आम सा ही लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक लगेज शिफ्टिंग व्हीकल है, जो कि 3260 किलोग्राम तक के वजन के सामान को इजीली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है। दोस्तों, इसके फीचर्स की बात की जाए तो इस कार्गो लोडर का मुकम्मल वजन 4490 किलोग्राम है, जिनमें से पेलोड कैपेसिटी 3260 किलोग्राम है। इसकी कार्गो एरिया हाइट 600 मिलीमीटर, जबकि कार्गो एरिया लेंथ 4500 मिलीमीटर है, और कार्गो एरिया विड्थ की बात की जाए तो वो 1820 मिलीमीटर है। मुकम्मल कार्गो एरिया मैक्सिमम लोडिंग के लिए ग्राउंड लेवल पर सेकंड्स में पहुंच जाता है, और तो और अनलोडिंग के लिए सेकंड्स में ही ग्राउंड लेवल से 1.6 मीटर अबव भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये इंटरचेंजेबल कार्गो कंटेनर होम शिफ्टिंग के लिए भी वाकई ही एक बहुत यूजफुल टूल है। नंबर 8, टीटीवी वॉरियर। दोस्तों, लिमिटेड एडिशन विद अनलिमिटेड परफॉर्मेंस के साथ बनाया गया यह स्पेशल मॉडल का ट्रैक्टर एक ऐसी मशीन है जो कि मुश्किल तरीन काम खेतों में कर सकता है। इस ट्रैक्टर को बनाने का मिशन ही ये था कि यह ट्रैक्टर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सके। दोस्तों, यह हाईली अट्रैक्टिव 246 हॉर्स पावर का एक ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें जर्मन व्हीकल प्रॉपर्टीज जैसा कि क्वालिटी, रिलायबिलिटी और अमेजिंग फिजिकल अपेयरेंस को यकीनी बनाया गया है। ये हाईली इनोवेटिव और हाईली इंटेलिजेंट ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर्स और फार्मर्स के लिए तो आइडियल वर्क टूल है। इसके कैबिन में दो लोगों की सीटिंग स्पेस मौजूद है। इस ट्रैक्टर की खसूसियात में ब्रिलियंट ब्लैक पेंट वर्क, LED लाइट सिस्टम, कंफर्ट सीट्स, ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग, फ्लोर मैट, साउंड प्रूफ रियर विंडो और हाइड्रोलिक कंट्रोल पैनल शामिल है। नंबर 7, JCB फास्ट ट्रैक्ट। दोस्तों, जैसा कि देखने से ही ये ट्रैक्टर लगता है, लेकिन ये आम ट्रैक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। इस ट्रैक्टर को दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रैक्टर समझा जाता है, जिसकी मैक्सिमम इंजन पावर 175 किलोवाट है, जो कि 820 Nm की टॉर्क एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस ट्रैक्टर की मैक्सिमम ट्रैवल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। इसमें लगाए गए यूनिक ऑलराउंड सस्पेंशन का मतलब ये है कि इस ट्रैक्टर का ऑपरेटर इस ट्रैक्टर की मदद से कोई भी काम जल्दी और ज्यादा देर तक और अनइवन फील्ड सरफेस पर भी आसानी से कर सकता है। दोस्तों, इसमें लगाया गया हाइड्रो न्यूमेटिक सस्पेंशन बेमिसाल कंफर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें मौजूद मिड माउंटेड कैप पोजीशन 360 डिग्री का व्यू प्रोवाइड करता है। इसमें लगाए गए हाइड्रोस्टेटिक डुअल स्टेरिंग टेक्नोलॉजी की मदद से ड्राइविंग बहुत ही हल्की और हाईली रिस्पॉन्सिव बन जाती है। दोस्तों, इसमें लगाई गई विंडस्क्रीन में एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि धूप वाले दिन ऑटोमेटिकली गर्मी की शिद्दत को कम कर देती है। नंबर 6, मेंजीमा। दोस्तों, ये एक वॉकिंग एक्सकेवेटर है जो कि बहुत सी स्पेशल कैपेबिलिटीज का मालिक है। दोस्तों, इसमें मौजूद हाइड्रोलिक सिलेंडर इस ऑलराउंडर एक्सकेवेटर को किसी भी पोजीशन में ढाल सकते हैं। इसी खसूसियत की वजह से कई मुल्कों में इस एक्सकेवेटर को स्पाइडर एक्सकेवेटर भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने आज से पहले यकीनन ऐसे एक्सकेवेटर को नहीं देखा होगा जो कि ट्रेन की पटरी पर भी चल सके, जो कि खुद ही पटरी पर चढ़ जाए और खुद ही अपनी मदद आपके तहत उतर भी जाए। दोस्तों, इसकी स्पेशलिटीज वाकई ही बहुत अमेजिंग है। इसमें स्टेपलेस VX ड्राइव बाय मेंजी अप टू 11 किलोमीटर, पीवेशन पैरेलल स्पोर्ट, हाइड्रोलिक व्हील, हाई एडजस्टमेंट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील्स, हाइड्रोलिकली टेलीस्कोपिक स्पोर्ट, 2 रिमूवेबल एक्सल विद व्हील्स विद माउंटेन स्पोर्ट शामिल है। दोस्तों, ये 13500 किलोग्राम वजन का एक्सकेवेटर वाकई में ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एक ग्रेट इनोवेशन है। नंबर 5, टेट्रा ट्रक। दोस्तों, ये एक ऑफ रोड ट्रक है, यानी इस ट्रक को मुश्किल से मुश्किल हालात यानी ऐसी सड़कें या ऐसा मुश्किल तरीन रास्ते जहां से एक आम ट्रक को ले जाना नामुमकिन ही हो जाता है, वहां टेट्रा 8x8 काम आ जाता है। दोस्तों, इस ट्रक को आज ट्रांसपोर्टिंग पर्पस, मिलिट्री टैंक्स एंड मिसाइल्स मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसको बनाने का मकसद शुरू में मिलिट्री को सर्विस प्रोवाइड करना था, जो कि 100 टन से ज्यादा के वजन को भी खींच सकता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसको पब्लिक सेक्टर में भी यूज करना शुरू कर दिया गया। दोस्तों, इनकी प्रोडक्शन का आगाज 1967 में हुआ था और 1982 तक टेट्रा 8x8 जैसे 11,157 ट्रक्स बना लिए गए। दोस्तों, ये एक हैवी ट्रक विद V12 इंजन की फैसिलिटी के साथ बनाया गया है, जो कि डीजल पर चलता है। इसकी लेंथ 346 इंच, हाइट 109 इंच और विड्थ 198.4 इंच है। इसके हेड मटेरियल में एल्यूमिनियम अलॉय का यूज किया गया है।
दोस्तों इसके पावर आउटपुट की बात की जाए तो वो 198 किलोवाट है, यानी इसमें लगाया गया इंजन 990 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। नंबर 4, स्वार्ट बोट। दोस्तों जैसा कि इस व्हीकल के नाम से ही मालूम हो रहा है कि ये व्हीकल रोबोट है। दोस्तों अमेरिकन पुलिस के लिए बनाया गया ये रोबोट अमेरिकन पुलिस के सोल्जर्स के लिए वाकई ही एक डिफेंसिव शील्ड है। जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन के बराबर ही है। इसको बनाने का मकसद बिल्कुल वाज़े था कि वार जोन में दुश्मन की गोलियों से खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हद तक महफूज बनाया जाए। दोस्तों एक अमेरिकन कंपनी जो कि मिलिट्री के लिए हाईटेक टैंक्स बनाती है, उसकी जानिब से अमेरिकन पुलिस के लिए बनाई गई ये एक बैलिस्टिक पुलिस शील्ड है, जिसे रिमोट की मदद से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये पुलिस को एक्सप्लोसिव डिवाइस से भी प्रोटेक्ट कर सकती है, क्योंकि इसमें लगाए गए सेंसर किसी भी एक्सप्लोसिव मटेरियल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, हेटक लिफ्टिंग व्हील्स। दोस्तों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ये इन्वेंशन कोई ट्रक या एस्केलेटर तो नहीं, लेकिन इंसानी जिंदगी में इसकी अहमियत उनसे कम भी नहीं है। दोस्तों जैसा कि लिफ्टिंग व्हील्स के नाम से ही जाहिर है, हेटक कंपनी की जानिब से बनाए गए हैवी ड्यूटी रोलर मूवमेंट्स की वजह से भारी कंटेनर्स को सॉलिड ग्राउंड से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव किया जा सकता है। दोस्तों इस कंटेनर और शेल्टर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अहमियत का असल एहसास वहाँ होता है जहाँ इंसानी जिस्म की जानिब से लगाई गई मुकम्मल ताकत का भी कोई फायदा नहीं होता। दोस्तों इनका इस्तेमाल आज एयरपोर्ट्स पर भी कंटेनर्स को एयरप्लेन्स पर लोड करने के लिए और प्लेन से किसी वैगन या बड़े ट्रक में लोड करने के लिए होता है, वो भी बगैर किसी क्रेन की मदद से। दोस्तों हकीकत में हर वो जगह जहां भारी तीन चीज़ों की मूवमेंट करनी हो, वहां हेटक लिफ्टिंग व्हील्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, टर्फ टैंक। दोस्तों ये छोटा सा आम सा दिखने वाला एक ऐसा इंटेलिजेंट रोबोट है जिसने इंसानी जिंदगी को खेल के मैदान में बहुत आसान बना दिया है। दोस्तों ये एक इंटेलिजेंट जीपीएस पेंट रोबोट है जिसको बनाया गया है हर किस्म की स्पोर्ट्स फील्ड में आसानी, तेजी और मोर एफिशिएंसी के लिए। दोस्तों ये रोबोट हर किस्म की लाइन मार्किंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो क्लब्स और यूथ ऑर्गेनाइजेशन की हो, स्कूल्स की, पार्किंग की या किसी भी स्टेडियम की। दोस्तों इस रोबोट में 45 डिफरेंट फील्ड टाइप्स और 10,000 कॉम्बिनेशन से ज्यादा बेस्ड ऑन डायमेंशन एंड नीड्स के हिसाब से स्पोर्ट्स का डाटा सेव किया गया है और ये वक्त को बचाने का काम भी करता है। ट्रेडिशनल लाइन मार्किंग के हिसाब से ये 7% तेज काम करता है, पेंट की कंजम्पशन को भी 50% तक कम करता है, एक्यूरेसी को भी बढ़ा देता है, हर मरतबा परफेक्ट लाइन्स ड्रॉ करता है और सबसे अहम आपके काम को ऑप्टिमाइज करता है, यानी वो काम जो आपने लाइन मार्किंग में लगाना था इस वक्त में आप अपने दूसरे जरूरी काम कर सकते हैं। नंबर 1, पेलफिंगर क्रॉलर क्रेन। दोस्तों पेलफिंगर क्रॉलर क्रेन को ऑलराउंडर फॉर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ ऑपरेशन कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों इस क्रेन की स्पेशल फीचर्स में द क्रॉलर चेसिस, एक्सेप्शनल क्रॉस कंट्री मोबिलिटी, इसकी पावरफुल ड्राइव और इसकी एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस शामिल है जो कि तंग जगह में भी भरपूर परफॉर्मेंस शो कर सकता है। दोस्तों इसमें मौजूद क्रॉलर और क्रेन को अलग-अलग ट्रांसपोर्ट और ऑपरेट भी किया जा सकता है। एक और बहुत ही वाजे और अच्छी वजह इस क्रेन की ये भी है कि ये क्रेन एक कॉम्पैक्ट डायमेंशन और एरिया ऑफ ऑपरेशन अंडर लिमिटेड स्पेस कंडीशन की वजह से भी बहुत ही बेनिफिशियल और यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। दोस्तों इस क्रेन का इस्तेमाल मुख्तलिफ शहरी इलाकों और खासकर इंडस्ट्रियल एरियाज में किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन हॉल जैसी जगहों में ये किसी नेमत से कम नहीं। अपनी हायर लिफ्टिंग कैपेसिटी की वजह से ये क्रेन भारी भरकम सामान को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आसानी से पहुंचा सकती है। इस मुकम्मल इलेक्ट्रिकल क्रेन को आप रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की 10 यूनिक व्हीकल्स विद स्पेशल फीचर्स की लिस्ट। इनमें से सबसे यूनिक व्हीकल आपको कौन सी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आपको फौरन मिल सके। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया।